कल चंडीगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा हमारे राज्य की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक थी और आप सब जानते ही हैं, अब लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। देश में मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जो कार्य हैं वो फिर एक बार तीसरी ये जो बारी है उसमें शुरू हुए हैं और किसानों के कर्जे माफ से लेकर के बड़े बड़े और कार्य किस तरीके से जो एक पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं जो ये पेपर लीक करने का एक साजिश षड्यंत्र लोग करते थे, बहुत उसमें विपक्ष के जो छात्र संगठन है उनके लोग भी उसमें शामिल थे। उसके खिलाफ कानून बन गया है जल्दी, और कानून जो इस देश के आम जनता को फायदा पहुंचाने वाले हैं वो कानून बनने शुरू हो गए। और ऐसे में मैं समझता हूँ कि सीधा सीधा संदेश यही है कि हमें तीसरी बार हरियाणा में भी एक बार फिर सरकार बनानी है। 9.5 वर्षों में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में अच्छे काम हुए। कल अमित शाह जी ने कहा कि भाई आज विपक्ष का कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तमाम जिन मुद्दों से आज पूरे देश की राजनीति ग्रसित है वो कोई भी भारतीय जनता पार्टी को वो मुद्दे नहीं छू सकते हैं, और गुमराह करके लोगों को वोट हासिल करने का एक षड्यंत्र चला। विपक्ष ने कुछ हद तक कामयाब हुए, लेकिन फिर भी तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और आगे फिर नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बने। हर कार्यकर्ता उसमें जुट जाए जमीनी स्तर पर, चाहे वो हमारे बूथ के साथी हो, हमारे नीचे के संगठन के सिपाही हो, सब लोगों को अपना अपना दायित्व आने वाले समय में और बारीकी से रूपरेखा उसकी तय हो रही है। पार्टी ने नए प्रभारी लगाए हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी, विप्लव देव जी, सुधांश सिंह जी, हमारे प्रदेश में सतीश पुनिया जी, ये सब लोग भी सहयोगी के तौर पर काम करेंगे। और आज मुख्यमंत्री जी ने नए जो हमारे लाभार्थी है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, आज उसके 75,000 लाभार्थियों को सीधा सीधा तौर पर लाभ पहुंचे इसकी शुरुआत करी है। बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना है उसके भी लाभार्थी, उनको भी आज सर्टिफिकेट वितरण करे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना है उसके भी प्लॉटों के लिए उनको भी लाभ पहुंचे। तो लगातार ये सरकार की कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा हमारे हरियाणा वासियों को लाभ पहुंचा सके।